नजर डाल लेते हैं कमोडिटी मार्केट पर। हमारे साथ वंदना भारती जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। वंदना, गुड मॉर्निंग। कमोडिटी मार्केट की अगर बात करें तो सबसे पहले कच्चे तेल से शुरुआत करते हैं। कल वहां पर दबाव देखा है, ओवर सप्लाई, डिमांड की भी चिंता है कहीं ना कहीं। तो क्या यहाँ से आप और करेक्शन देख रही हैं कच्चे तेल में? जी गुड मॉर्निंग पूजा। आज इनिशियली थोड़ा सा यहाँ पे एक बाउंस तो आएगा, लेकिन ओवरऑल जो अंडरटोन है वो बेयरिश ही रहेगा, क्योंकि अरब ने भी यहाँ पे जो रेट्स होते हैं एशिया के लिए, एशियन कंट्रीज के लिए, वो कट किया है। तो मेरे ख्याल से इसका भी एक इम्पैक्ट जो है आ रहा है कच्चे तेल पे। तो शुरुआती दौर में हो सकता है कि हम देखें कि थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस आ रहा है, लेकिन ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स है वो फिर से इंट्राडे में भी यहाँ पे निगेटिव हो सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेल साइड रहना चाहिए। अगर लेवल्स की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि करीब करीब यहाँ पे क्रूड ऑयल में 50 के करीब यहाँ पे एक सेलिंग जो है फिर से इनिशिएट करना चाहिए, और जो टारगेट होगा करीब करीब 57-80 का होगा। इस बार लग रहा है कि 5800 का भी आंकड़ा टूट सकता है, तो 5850 पे सेलिंग, 5780 का टारगेट, 5885 पर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। और ओवरऑल लग रहा है कि एक बार यहाँ पे 5700 का कच्चा तेल को जरूर आना चाहिए। ओके, तो 5700 का लेवल भी टेस्ट कर सकता है कच्चा तेल, इस पर आप नजर रखिए, लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। सोने चांदी में भी क्या आप और दबाव देख रही हैं वंदना? जी अब यहाँ पे थोड़ा सा डल पीरियड पूजा हो सकता है। फर्स्ट क्वार्टर वैसे भी गोल्ड सिल्वर के लिए हल्का सा एक डल पीरियड होता है, क्योंकि यहाँ पे काफी एक्शन पैक हमारा फोर्थ क्वार्टर होता है हर साल का। तो अभी यहाँ पे ऊंचे स्तर से एक दिखाली जो है वो यहाँ पे आती हुई दिखाई देगी। आज के दिन यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिलेगा, क्योंकि $4-5 ऊपर ट्रेड हो रहा है यूएस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन, उसका तो इम्पैक्ट जरूर आएगा। लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि 62,185-160 के करीब एक बार सेलिंग फिर से करना चाहिए। नीचे की तरफ मैं टारगेट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाह रही हूँ, मुझे लग रहा है कि 62,000 ब्रेक हो सकता है, तो 61,900 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब करीब 62,250 का 260 का। ओके, तो गोल्ड में भी बिकवाली करने की सलाह 62,000 के टारगेट के लिए। आखिरी सवाल वरना बेस मेटल्स पर कहाँ पर मौके देख रही हैं आप? बेस मेटल में चाइना से जो डेटा आया कल, वहां की इक्विटी मार्केट में भी जबरदस्त फॉल थी, और वहां की चाइना के डेटा में अभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आ रहा है बेस मेटल पे। हम लोगों ने पिछले हफ्ता जो आखिरी हफ्ता था 24-23 का, वहां पे हम लोगों ने एक रिकवरी आता हुआ देखा था, लेकिन अभी यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट हो सकती है और थोड़ा सा जो बायस है वो डाउन साइड का होगा। तो जिंक मुझे लगा कि सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए 223.5 पे, टारगेट होगा 220 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 225 का। ग्रेजुअली मुझे मुझे लग रहा है कि जिंक में एक बार प्राइसेस 219-218 की तरफ आ जाएगा। ओके, थैंक यू वंदना आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए आज। तो कच्चा तेल वापस से आपको बता देते हैं, यहाँ पर दबाव गहरा सकता है। क्रूड में अगर आपको ट्रेड करना है तो बिकवाली की तरफ करिए, क्योंकि 5700 का लेवल और टच कर सकता है। कल कमजोरी थी, आज भी यहाँ पर दबाव गहरा सकता है। इसके अलावा सोने चांदी में भी बिकवाली करने की सलाह है, स्पेशली सोने में आप ट्रेड ले सकते हैं सेल साइड का 62,000 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 62,250 का, और जिंक में भी बिकवाली करने की सलाह है 220 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 225 का। ये है राय वंदना जी की तरफ से।